ठीक है, तो अब हम एनालिटिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेंगे कि पूरे मतलब एनालिटिक्स में क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा को मैप करते हैं, किसी और टेबल से लेके आते हैं। तो यहाँ डेटा सोर्स के अंदर हमारे पास सारी टेबल्स होती हैं, यानी कि जिस भी चीज़ से हमने कनेक्ट किया होता है, जिस भी चीज़ का मतलब जिस भी ज़ोहो प्रोडक्ट से हमने कनेक्ट किया हुआ है, उसका सारा डेटा सोर्स हमारा इसके अंदर होता है। थोड़ा मेरा वो स्लो वर्क करेगा क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग है। ये इस तरीके से हमारे पास टेबल्स और वो आते हैं। ज़ोहो एनालिटिक्स में बेसिकली हम सिर्फ रिपोर्ट ही मेंटेन करते हैं, किसी भी ज़ोहो CRM है, ज़ोहो प्रोजेक्ट है, ज़ोहो पीपल है, हम किसी की भी रिपोर्ट ज़ोहो एनालिटिक्स के अंदर डिस्प्ले कराते हैं बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बाय टेबल फॉर्मेट और बाय काउंट। ये हमें बहुत इजी पड़ता है क्योंकि इसमें हम सीधे सीधे सिर्फ काउंट अगर दिखाना है तो हम काउंट दिखा सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कोड नहीं करना पड़ता, हम सीधे सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिपोर्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं। अगर मैं एक्सप्लोर की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास ये मेन डैशबोर्ड आता है ओपन होके। एक्सप्लोर के अंदर यहाँ मेरे पास सारी टेबल आती हैं जो मैंने सिंक कर रखी हुई हैं, लाइक ज़ोहो CRM कर रखा है, ज़ोहो रिक्रूटर पीपल कर रखा है, लीड रिपोर्ट कर रखी है, डील कर रखा है, तो ये सब मैंने सिंक कर रखा है, लाइक ज़ोहो पीपल से, ज़ोहो CRM से जो मैंने सिंक किया है, तो उसका सारा डेटा मेरे पास यहाँ एज अ फोल्डर में आया है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। अब ज़ोहो पीपल को जब मैं एक्सपेंड करूँगी, मतलब ज़ोहो CRM को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ, तो CRM का डैशबोर्ड, उसकी क्वेरी, रिपोर्ट, टेबल, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी सिंक होके मुझे शो हो रही हैं। अगर मैं ज़ोहो रिक्रूटर को देखती हूँ तो रिक्रूटर की सारी टेबल यानी कि सारे फॉर्म का डेटा मेरे पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ जाता है, और जो भी हम टेबल वगैरह बनाते हैं उस फॉर्मेट में, तो फिर वो हमें यहाँ पे इस तरीके से शो होता है। अब डैशबोर्ड पे आ जाती हूँ तो मैंने जितने भी डैशबोर्ड बनाए हुए हैं वो सारे मेरे को यहाँ पे शो होते हैं। डैशबोर्ड सेंस सिर्फ डैशबोर्ड की रिपोर्ट मुझे यहाँ पे शो होती है, और मतलब बाकी रिपोर्ट नहीं होती, सिर्फ डैशबोर्ड की रिपोर्ट आती है। यहाँ पे वो रिपोर्ट्स होती हैं जो मैंने उस टेबल से बनाई हुई है। यहाँ पे भी वो डैशबोर्ड शो होंगे जो मैंने बनाए हुए डैशबोर्ड हैं, और कोई डैशबोर्ड नहीं आएंगे। ये रिपोर्ट मेरी वो होती है जो मैंने बनाई हुई रिपोर्ट है, और मतलब वो सिर्फ ज़ोहो एनालिटिक्स के अंदर है। डेटा के अंदर मेरे पास जो होता है कि जो टेबल मैंने सिंक करी हुई है, यानी कि अगर मैं ये बात करूँ ज़ोहो CRM मॉड्यूल्स की, तो CRM के अंदर क्या होता है, सारी जितने भी मतलब अगर हम देखेंगे तो जितने भी फॉर्म है सबका यहाँ पे कॉल है, कॉल नोट्स है, कैंपेन है, ये सब मेरे ज़ोहो CRM के सारे मॉड्यूल्स हैं। तो अगर हम ये फाइनेंस के सारे मॉड्यूल हैं मेरे पास, रिक्रूटर के ये सारे मॉड्यूल्स हैं जितने भी हैं, फिर ज़ोहो पीपल रिक्रूटर के अंदर ही है, ये ज़ोहो पीपल का डेटा है सारा। तो ये इस तरीके से मेरे पास ये डेटा आता है, इसी डेटा से हम ये सारा मतलब कह सकते हैं रिपोर्ट बनाते हैं। अब नई रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, सिंपली क्रिएट पे जाएंगे। अगर हमें कोई क्वेरी टेबल बनानी है तो हम क्वेरी टेबल बनाएंगे, न्यू टेबल बनानी है तो न्यू टेबल बनाएंगे, चार्ट व्यू देना है तो चार्ट व्यू देंगे, टेबल फॉर्मेट का व्यू देना है तो टेबल समरी व्यू, टैबलो डैशबोर्ड बनाना है तो डैशबोर्ड बनाएंगे, इंपोर्ट टेम्पलेट करके वो बनानी है, रिपोर्ट बनानी है तो यहाँ से करेंगे। तो ये एक व्यू है जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं तो वो हो जाता है। अब सपोज मैंने चार्ट व्यू पे क्लिक किया, सबसे पहले ये मेरे से पूछेगा टेबल। अब इसने मेरे से टेबल पूछी कि कौन सी टेबल से मुझे डेटा बनाना है। अब सपोज मैं बोल देती हूँ पीपल के, अब पीपल के अंदर मैं ले लेती हूँ कैंडिडेट, कैंडिडेट का सपोज डेटा है। अब मैंने इसको ओके किया, अब इसने मुझे ये फॉर्मेट दे दिया। अब सपोज मैं ले लेती हूँ कैंडिडेट का नाम, सर्च भी कर सकते हैं हम यहाँ से, नेम ले लिया मैंने,
फर्स्ट नेम ले लिया और बाय डेजिग्नेशन ले लिया। अब इसको जनरेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको नीचे कर दूँ और इसको यहाँ कर दूँ तो ये मेरा फर्स्ट नेम ऊपर आ गया, डेजिग्नेशन नीचे आ गया। अब अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे काउंट, इसने मुझे काउंट दिखा दिया। अब मैं इस फॉर्मेट को इस व्यू में भी देख सकती हूँ कि अननोन जो है वो इतने हैं, पीपल मैनेजर मेरे इतने हैं, पीपल बिजनेस पार्टनर इतने हैं, टेक्निकल इतने हैं, ये सारा फॉर्मेट दे दे। अब मेरे पास इतने तरीके के चार्ट व्यू हैं जो मैं लगा सकती हूँ। सेमी में दे सकती हूँ और सिंपली आप जिस पे क्लिक करोगे आप उस फॉर्मेट में दे सकते हो, जिस फॉर्मेट में ये डाटा, बार चार्ट में दे सकते हो, ग्राफिकल में दे सकते हो, इस तरीके से। तो ये अगर आपको इस टेक्स्ट के ऊपर कलर और कंटेंट चाहिए तो ये मैं दे देती हूँ कलर, और इसने अलग अलग कलर दे दिया। और मैं इसको इसमें अगर करूँ तो ये इसने अलग अलग उसको अलग अलग कलर में दिखा दिया। अब अगर मैं इसको इसमें कर दूँ तो ये मेरे को काउंट दिखा दे। अब नंबर आ जाएंगे इसमें लिखे हुए, 2, 1, 1, 1 करके नंबर आ गए। अब साइज अगर दिखाना है तो ये गए काउंट और दिस। अब ये साइज भी वही है, काउंट टेक्स्ट पे भी काउंट भी वही है, बात वही है। या तो अगर एक्चुअल वैल्यू कर दूं तो यहाँ नाम दिखाना चाहिए, नाम दिखा दिया। तो इस तरीके से अब मैं सिंपली इसको सेव करके और मैं वो यूज कर सकती हूँ। तो हम यहाँ से सर्च करके भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल व्यू है रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो ये तो सिर्फ मेरा एक ओवरव्यू है कि एनालिटिक्स में हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम सर्चिंग कर सकते हैं, सर्च बाय फिल्टर लगा सकते हैं। रिपोर्ट टेबल का क्वेरी टेबल थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि उसमें क्वेरी लिखनी पड़ती है, वो भी हम कर लेंगे। एक बार हम जब नॉर्मल टेबल यूज़ करेंगे तो फिर हम वो भी करने लगेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद शेयर कर दूं कि हम क्वेरी टेबल कैसे करते हैं। पहले मैं एक वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी कि हम टेबल फॉर्मेट किस किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं टेबल फॉर्मेट बनाने के लिए। दैट्स इट।